सऊदी अरब का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अलग सा डर पैदा हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे किसी सख्त कानून की दुनिया में पहुंच गए हूं। सऊदी अरब इकलौता ऐसा देश है जहां सजा के तौर पर लोगों के बॉडी पार्ट्स काट दिए जाते हैं। सऊदी अरब में अच्छा खासा पैसा कमा रहे लोग अब वहां के कानून में हुए बदलाव की वजह से अपने देश लौटने को मजबूर हो गए हैं। सऊदी से हजारों की संख्या में लोग लौट रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है। इसके अलावा सऊदी अरब के बारे में जहन में जो बात सबसे पहले आती है वो है वहाँ पाए जाने वाले तेल के कुएं। आज हम सऊदी अरब के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब कानूनों और हैरतअंगेज बातों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसी अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आगे भी देखने को मिल जाएं। नंबर वन, दुनिया के सभी देश अपने संविधान पर चलते हैं लेकिन सऊदी अरब में कोई संविधान नहीं है। यहाँ पर कुरान को ही संविधान माना गया है। ये देश शरीयत के कानून के अनुसार ही चलता है। नंबर टू, सऊदी अरब में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से बेहद कम है। यहाँ पर महिलाओं को कार चलाने की आजादी नहीं है लेकिन कुछ सालों पहले सामाजिक महिलाएं और कार्यकर्ताओं ने इस पर काफी प्रदर्शन किया। इनमें से कुछ को मुकदमों का सामना भी करना पड़ा लेकिन इसके बावजूद भी ये कानून नहीं बदला। नंबर थ्री, दुनिया भर में जहाँ पुरुष और महिलाओं की समानता को लेकर दशकों पहले ही कई बड़े नियम बनाए जा चुके हैं लेकिन सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को साल 2011 से पहले तक वोट डालने की आजादी नहीं थी। नंबर फोर, सऊदी अरब में मौत की सजा काफी आम है। मौत की सजा देने के मामले में पूरी दुनिया में सऊदी अरब का नंबर चौथा है। यहाँ पर गर्दन काट कर मृत्यु देने की सजा है लेकिन बड़ी संख्या में इस सजा के चलते सजा देने वाले लोगों की कमी है। इसकी वजह से देश किसी दूसरे तरीके का विचार कर रहा है। नंबर फाइव, सऊदी अरब में कई दशकों तक महिलाओं को काम करने की मनाही थी, इसलिए लॉन्ड्री शॉप और कई अन्य महिलाओं वाली जगहों पर पुरुष ही महिलाओं के कपड़े और सामान दिखाते थे। लेकिन साल 2012 की शुरुआत में मर्दों को महिलाओं के सामान वाली दुकानों पर काम करने की मनाही हो गई और वहां पर अब लड़कियां ही वह सारे सामान दिखाती हैं। नंबर सिक्स, सऊदी अरब में एक भी पानी का बड़ा स्रोत नहीं है, इसलिए यहाँ पर पानी की बेहद कमी है। सऊदी अरब एक ऐसा राष्ट्र है जो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाकर उसका इस्तेमाल करता है और इस काम को करने के लिए सऊदी हर साल अरबों रुपए खर्च कर देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब में एक गैलन पानी एक गैलन तेल से महंगा है। नंबर सेवन, सऊदी अरब अफगानिस्तान की जीडीपी से लगभग चार गुना ज्यादा पैसा अपनी सेना पर खर्च करता है। अमेरिका, चीन, रूस और भारत के बाद सऊदी अरब ही है जो सैनिक खर्च में सबसे अधिक खर्च करने वाला देश है। नंबर एट, सऊदी अरब में जादू टोने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसके लिए देश में एक स्पेशल यूनिट भी बनाया गया है जो कि केवल जादू टोनी करने वाले लोगों को पकड़ने का काम करता है। नंबर नाइन, सऊदी अरब में सरकारी इमारतों और सरकारी जगहों पर तस्वीर लेने की सख्त मनाही है। अगर आप सऊदी अरब में ऐसा करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। नंबर टेन, पूरी दुनिया में सऊदी अरब ही एक ऐसा देश है जहां पर वैलेंटाइन डे मनाने पर बैन है। यहां तक कि इस पूरे हफ्ते में कोई भी दुकानदार दिल के आकार का कोई भी चीज नहीं बेच सकता। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आज के इस एपिसोड में आपने कुछ नया जाना हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनसुना ज्ञान को सब्सक्राइब करें।